इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ये मैं नहीं यूएस बेस्ड थिंक टैंक द ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन का मानना है। ब्रूकिंग्स की रिपोर्ट कहती है कि 2022 और 23 में इंडिया की सिर्फ 2% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो कि 2011 और 12 में 12.2% थी। नाउ दैट्स अ ह्यूज डिक्लाइन, जो कि इम्पॉसिबल सा साउंड करता है। Because of India has eliminated extreme poverty, then why is the government giving free ration to 81 crore Indians? और दूसरी तरफ है World Bank की report, which puts the poverty number in India at around 10%. एक तरफ 2% और दूसरी तरफ 10%. World के दो renowned institutions के numbers में इतना बड़ा difference कैसे हो सकता है? Have either of them committed a mistake or are the numbers false? Most importantly, हम किसके numbers पर believe करें? And what does it really mean when we say India has eliminated extreme poverty and how much truth does it hold? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए Bright Wing Channel को। इन डेटा के डिफरेंसेस और इन रिपोर्ट्स को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पॉवर्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज द पॉवर्टी लाइन विच डिफर्स फ्रॉम कंट्रीज एंड रीजन्स, और ये बदलती इकोनॉमीज इन्फ्लेशन के चलते चेंज होती है। इंडिया में 2009 में तेंदुलकर लाइन लाई गई थी, जो ऑफिशियली यूज होती है। वर्ल्ड बैंक की भी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, विच इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लाइन। तेंदुलकर लाइन एंड वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन में 3% से भी कम का डिफरेंस है, सो इट्स वेरी क्लोज टू अवर लाइन। दूसरा है डेटा ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स ऑफ द पॉपुलेशन, जिसको अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो ये आपके खर्चे हैं, आप किस चीज पर कितना खर्च करते हो। फॉर एग्जांपल, दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप खर्च करता है खाने पर, एजुकेशन पर, मोबाइल फोन्स पर, टीवी, ट्रैवल एक्सेट्रा पर, और एक ग्रुप है जो खर्च करता है सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज पर, लाइक बाइंग ग्रेन्स, ऑयल, पल्सेस एक्सेट्रा। By tracking their expenditure patterns, you will know which group is poor and which group has money to buy the stuff they want and need. अब यही consumption data, which is called the household consumption expenditure survey, को government ने कुछ दिन पहले release किया है, और इसी data के basis पर Brookings Institution ने अपनी report बनाई है, which says that India has eliminated extreme poverty. ये data 11 साल बाद release हुआ है। वर्ल्ड बैंक का डाटा इससे पहले आ चुका था, और अगर गवर्नमेंट का डाटा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यूज होता तो दे वुड हैव कम आउट विद द सेम नंबर्स। नाउ व्हाट डू दीज रिपोर्ट्स से? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया में अब एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी है, और इस नंबर में एक शार्प डिक्लाइन देखा गया है व्हेन कंपेयरिंग द डेटा ऑफ 2011 एंड 12 एंड द डेटा ऑफ 2022 एंड 23। और ब्रूकिंग्स की रिपोर्ट ने तो इंडियन गवर्नमेंट की फ्री वीट और राइस के डिस्ट्रीब्यूशन को अकाउंट में लिए बिना इस नंबर पर आई है। उनके मुताबिक अगर इस फ्री फूड को भी कंसीडर किया जाता तो द नंबर ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी इन इंडिया वुड स्टैंड एट 0.5% टुडे। इसमें आपको एक और चीज समझनी जरूरी है। When we say India has removed extreme poverty, it means कि इंडिया ने एक specific type की poverty, एक extreme version of poverty हटाई है as defined by the Tendulkar line. ये data काफी significant है, क्योंकि past में इतना बड़ा decline लाने के लिए इंडिया को 30 साल लगे थे, और ये same decline इस बार इंडिया ने सिर्फ 11 साल में करके दिखाया है, which is a big win in India's fight against poverty. इस डेटा ने एक और बहुत बड़ी चीज रिवील की है जो दुनिया में रेयरली देखी गई है, द डिक्लाइन इन अर्बन एंड रूरल इनइक्वालिटी। एज पर द नोटेड इकोनॉमिस्ट सुजीत भल्ला, इनइक्वालिटीज दुनिया में हमेशा बढ़ती हैं, घटती नहीं है। पहली बार इंडिया में ये डिक्लाइन हुई है। द अर्बन गिनी सॉ अ शार्प डिक्लाइन फ्रॉम 36.7 टू 31.9। The rural Guinea declined from 28.7 to 27.0, a historical trend for any developing nation. 2022 or 23 mein rural poverty was at 2.5 and urban poverty was down to 1%. Rural areas ka growth rate higher hai at 3.1% compared to urban areas jinka growth rate 2.6% hai, jisse inequalities aur tezi se kam ho rahi hain.
2011 के डाटा से कंपेयर करेंगे तो इंडियंस की स्पेंडिंग पावर आज 3 गुना बढ़ चुकी है। एंड इफ यू वर टू एडजस्ट इन्फ्लेशन टू इट, उसके बाद भी इंडियंस की स्पेंडिंग पावर इज 2 टाइम्स मोर। इंडियंस क्या खा रहे हैं इज ऑल्सो अ बिग इंडिकेटर ऑफ द प्रोग्रेस दैट द कंट्री इज विटनेसिंग टूडे। पहली बार आउट ऑफ द टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फूड पर एक्सपेंडिचर 50% से नीचे आया है इन रूरल एरियाज, एंड फॉर अर्बन एरियाज ये 40% से नीचे आया है। फूड के अंदर भी एक मेजर शिफ्ट देखा गया है। इंडियन सब सिर्फ सीरियल्स और पल्सेस नहीं पर मिल्क, मीट, फ्रूट्स इन सब पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन रिच और न्यूट्रिएंट रिच डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ साइन ऑफ प्रोग्रेस दे आर मेकिंग। ऐसी कई और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हैं इन रिपोर्ट्स में, पर ये सब पिछले 10 सालों में कैसे पॉसिबल हो पाया है? इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट के बिना ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट पॉसिबल ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट के बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिनका एम है टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज मोर इवनली अमंग द पॉपुलेशन, स्पेशली इन द रूरल एरियाज जहाँ गरीबी ज्यादा पाई जाती है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में पीएम मोदी ने लॉन्च किया था, जिसके अंडर गवर्नमेंट ने 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं फॉर इंडिविजुअल हाउसहोल्ड। गवर्नमेंट्स मिशन टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न कुकिंग फ्यूल, द रीसेंट जल जीवन मिशन जिसमें गवर्नमेंट का एम है टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स। जब ये मिशन लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 में, एक्सेस टू पाइप्ड वाटर इन इंडिया वो 16.8%, जो कि आज है 74.7%। अब इससे ये होता है कि साफ पानी पीने से लोगों में बीमारियां कम होंगी, जिससे फैमिलीज को और इनकम कमाने में मदद मिलेगी। गवर्नमेंट का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जिसमें इंडिया की सबसे बैकवर्ड 112 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया और उनको डेवलप करने पर पूरा फोकस दिया गया है। गवर्नमेंट ऐसे कई प्रोग्राम्स और स्कीम्स चला रही है जिससे लोगों की लाइफ में रियल चेंज आ रहा है और इंडिया के फ्यूचर में भी। गरीबी सालों से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, सोशल, आइडियोलॉजिकल मुद्दा रही है। इंडिया जैसे बड़े देश में, जो आज वर्ल्ड का भी सबसे पॉपुलस देश बन चुका है, और बढ़ती पॉपुलेशन की बढ़ती डिमांड्स के सामने आज इंडिया अपने सबसे बैकवर्ड लोगों को ऊपर उठाने में सक्सेसफुल हो रहा है। गरीबी को पूरी तरह हटाने में कई साल लगेंगे, पर अब जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें देखकर ये पॉसिबिलिटी रियल लगती है।